वाहिगुरु जी श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पगबंध रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्द बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उत्तर दिशि को सन्मुख करके जात भयो सतगुरु सिमर कै। उत्तर दिशि को सन्मुख सच्चे करके पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चवर छतर तखत दे मालक समर्थ गुरु प्रतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दी सदा इज्जत रखण वाले पत रखण वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले धन धन अंतर जामी सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां सिख संगतां दोवें हाथ जोड़ के गद के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन महाराज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रेम नाल महाराज। गद के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन महाराज। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी महान पवित्र पावन हाजरी विखे आप समूह संगत बड़े ही प्यार दे नाल सज के बैठे हो। वाहिगुरु जी ने सानू जो सुवास बख्शिश किए हैं उस विचों जिन्ना समा भी आप जी इत्थे बैठोंगे महाराज जी कृपा करनगे वह साडे सुवास जिहड़े हन वह सफले विच हन भाव लेखे विच हन सफले हन। सो बड़े ही प्यार दे नाल सारी संगत दोवें हाथ जोड़ो गज के सारी संगत फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। आप जी सिख संगतां बड़े ही प्यार दे नाल सतगुरु जी दी महान पवित्र पावन कथा नूं सरवण कर रहे हो। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का महान पवित्र जस आप जी ने इथों तक सरवण किया। सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी कृपा करते हैं दया करते हैं महाराज सच्चे पातशाह जी बाबे पृथ्वी ते बाबे महादेव दी गुजरान वास्ते भी कोई ना कोई उपराला जिहड़ा है वह महाराज ने किया जी। कुछ दुकाना का किराया जिहड़ा है वह बाबे पृथ्वी नूं दे दिता आखिया भी तुसी लिया करो तुहाडा भी गुजारा चल जाए। भावें दोवां ने रल के बाबा पृथिया ते बाबा महादेव जी
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਠੋਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਇਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਮਾਇਆ ਉੰਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਆਪ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਇਆ ਮੰਗਣੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ,
करण कराउण वाले ते तुसी आ गए हो सच्चे पातशाह। सो हुण आपां अगे कथा सरवण करिए। भाई कल्याणा जी जा रहे हैं पहाड़ी इलाके विच, सारियां संगतां सुरत टिकाओ, दोवें हाथ जोड़ के गज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, फिर आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, श्री वाहे गुरु साहिब जी। उत्तर दिश को सन मुख करके, भाई कल्याणा जी उत्तर दिशा वाल अपना मुख कर लिया जी उन्होंने जी। हाँ जी, जात पयो सतगुरु सिमर के, ते मन विच गुरु अर्जन साहब जी का ध्यान धार लिया जी। बड़ा वड्डा कार्ज हैगा जी, बगाने देश विच जाके अपने गुरु की गल करनी जी। मन विच गुरु अर्जन साहब जी का ध्यान धार लिया जी उन्होंने। हाँ जी, सने सने मंडी चल आयो, सहजे सहजे चलदियां चलदियां मंडी दे विच आए जी। मंडी दे विच आए, मंडी तुहानूं पता ही है कित्थे है जी। हाँ जी, पुरी प्रवेश हेर मन पायो, ते मंडी दा इलाका अज भी बड़ा सोहना ते पहला भी बड़ा सोहना बनिया होया सीगा जी। भाई कल्याणा जी ने वह मंडी दी नगरी वेखी बनी हुई जी, सारी हिमाचल प्रदेश दे विच है जी। वह नगर वेख के भाई कल्याणा जी बड़े खुश होए, बड़े प्रसन्न होए, ते भाई कल्याणा जी नूं नगर चंगा लगा जी। हाँ जी, निज सुख पिख थल डेरा कीन, वधिया जगह वेख के, सुखद जगह वेख के भाई कल्याणा जी ने डेरा कर लिया जी एक थान ते। हाँ जी, निसमह कर विश्राम परबीन, ते रात उथे विश्राम करदे आ, रोज रात उथे रहंदे आ भाई साहब। हाँ जी, चित वह चित मह अनेक उपाए, ते हुण ना भाई कल्याणा जी अपने मन विच सोचदे रहंदे एक गल जी, किम गुर को मन है नर राए, कि बंदिया ना गल मैं की करा, गल ते करिए राजे दे नाल, पर हुण राजा मेरी गल किवें मन्नेगा। हाँ जी, वेख लो राजे ना गल करनी, किसान बैठे है अगला गल ही नहीं सुन दिया जी। हंकार वध गया ना जी, ते हंकारिया सो मारिया। हाँ जी, बड़ा अहंकार है, किड्डे किड्डे गुरमुख बंदे जाके बैठे जी उत्थे। वह सोचन दिया भी गल मैं राजे नाल करा फिर मेरी गल बननी है। हाँ जी, जिस ते अर पह दरब बेसाल, ते राजे नाल गल करा ते राजा फिर खुली माया दवे। गल ते संगत जी माया दी भी नहीं हैगी जी, गल ते महाराज ने एक बहाना बनाया राजे दा भला करन वास्ते जी। हाँ जी, सुंदर बनहे संपूर्ण ताल, राजा खुली माया दवे ते सोना वड्डा सरोवर बने, विच पौड़ियां बनन वड्डियां वड्डियां। हाँ जी, कारज महा होए उपकारू, बड़ा उपकार वाला काम है, पर होना उदों है जदों किसे ना किसे तरीके नाल राजे नाल मिलिया गया जी। ते राजे नाल मिलना सौखा नहीं, तुसीं वेख नहीं रहे हो जी। हाँ जी, मम आवन होए सफल उदारू, तां ही मेरा आया सफला होएगा ना जी। पहाड़ी इलाके विच भाई कल्याणा जी जाके बैठ गए ने, ते हुण रोज ही इहो जिहियां गल्लां सोचदे आ जी। हाँ जी, कितक दिवस तह बसत बिताए, कुछ दिन रेंदे रहे जी। भाई कल्याणा जी गुरु अर्जन साहब जी नूं बेनतियां करदे रेंदे, हे सच्चे पातशाह महाराज ओह खेड किवें बनेगी, महाराज महाराज राजे नाल मिलना है, महाराज किवें मिलना राजे नाल, सीधा मिलन नहीं सी देंदे लोग, ते महाराज कृपा करो नाले ओ महाराज गुरु अर्जन साहब जी का दिता हुआ गुरमंत्र भाई कल्याणा जी ओ जाप भी करते हैं रोज। हाँ जी,
मिलन भूप को घात न पाए। कई दिन हो गए है भाई कल्याणा जी नू रेंदे हां, पर संगत जी राजे नू मिलन दा मौका ही नहीं बनता जी। सौखा काम नहीं सी हुंदा जी। तुसीं वेख लो अगले ने नहीं मिलन देना जी, बार्डर सील किते पए है, बाहर बैठे दिल्ली दे जी जाके। जन्म अष्टमी को दिन आवा, गज के आखो वाहे गुरु वाहे गुरु, गज के वाहे गुरु। गुरु साहब ने कृपा की ढो ढुक गया जी, जन्म अष्टमी वाला दिन आया जी, भाव श्री कृष्ण जी का जन्म दिन आया जी। हाँ जी, नगर सगर नर बरत रखावा। ते हर साल की तरह सारे नगर ने वर्त रखिया होया सीगा जी कृष्ण जन्माष्टमी का। हाँ जी, नृप की आग्या पुर मह होई। ए राजे दा ना, मंडी दे राजे दा हुक्म सीगा सारयां नूं जी। हाँ जी, ठाकर बरत रख है सब कोई। की जिन्ने लोग मंडी विच रह रहे है सारे जन्माष्टमी का वर्त रखण। और राजे दा हुक्म है, कौन ताले। हाँ जी, प्रांत भई ते सब चल जावहो। ते जदों जन्माष्टमी वाली रात लंघ जे अमृत वेला होवे। हाँ जी, साल ग्राम दर्श को पावहो। ते सारे साल ग्राम दा दर्शन करो। साल ग्राम की है, एक विशेष किस्म दा पत्थर है जिन्हों साध संगत जी टिक्के ला के ठाकर जी कहिंदे है। भगत धन्ना जी नूं इहो लपेट के दिता सी ना जी। हाँ जी, चरणामृत ते बरत उपावहो। ते साल ग्राम दे दर्शन करके साल ग्राम दा जिहड़ा इशनान कराया जल है ना, वह मुख विच पा के सारा नगर जिहड़ा है, सारा राज जिहड़ा वह वरत खोलेगा। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰ ਨਰ ਸਭਨ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਟੇ ਕੌਣ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਜਨ ਕਰਤ ਪਇਓ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਗਰਨ ਕੀ ਨਜਾਮਨੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਉਤਸਵ ਹੋਇਸ ਪੂਰੀ ਮਝਾਰੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਗਰ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਈ ਸਭ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਸਭ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਮੁਖ ਮੋਹ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵਰਤ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਥਾ ਯੋਗ ਕੀਨਸ ਨਰ ਸਭਹੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਅੜਿਆ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੜੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੀ।
गुरके सिख ना मानी तब हूं। गज के आखो वाहिगुरु। भाई कल्याणा जी गुरु जी का हुक्म मनन वाले ने, भाई कल्याणा जी ने नहीं इस तरह किया जी, भाई कल्याणा जी ने गुरु जी का हुक्म मनिया, राजे का हुक्म नहीं मनिया जी। नह व्रत की ना मंदर गयो, ना ते उन्हें वर्ती रखिया जी, अपना बना के प्रसादा पानी छकिया, हाँ जी, ते ना वो मंदिर गए जी। कौन जी? भाई कल्याणा जी। हाँ जी। नह चरणामृत धारण कयो, ते जदो मंदिर ही नहीं गए ते चरणामृत कितों छकना सीगा जी। जाम जामनी करहे स्नान, भाई साहब दा नितनेम है, भाई साहब अमृत वेले उठ जांदे आ जी। भाई कल्याणा जी, सिख किसी भी देश विच चले जे उहदा नितनेम मर्यादा नहीं छुटनी चाहीदी सतसंग जी। अमृत वेले उठ जांदे है, उठ के इशनान करदे है। हाँ जी। पठ है गुर के शब्द महान, ते वेख लो सिखण वाली गल है, भाई कल्याणा जी नू गुरु जी दी बाणी जुबानी याद हैगी है जी। जेड़े शब्द भाई साहब जी नू जुबानी याद ने ना, भाई साहब उन्हां शब्दां दा पाठ करदे हर रोज जी, अमृत वेले उठ के गुरबाणी दा पाठ करदे है जी। भोजन अल्प अचहे एक काल, फिर भोजन छकते है, फिर भोजन छकते है, ते भोजन ज्यादा नहीं छकते, थोड़ा छकते है, पर जिन्ना चिर तक गुरबाणी नहीं पढ़ते उन्ना चिर तक छकते कुछ नहीं जी। संगत जी, तुसी गुरु साहब जी की कथा सुनते हो, एक गल चेता रखियो, बिना जपजी साहब दे पाठ करन तो बगैर जे सिख कुछ छकदा है वह तनखाई है जी, तनखाई है। कईयां नू की है, कईयां नू बैड टी चाहीदी है जी। हाँ जी, उठदे बाद विच मंजे ते ही उन्हां नू चाह चाहीदी है, यह गुरु दे सिखां वाले काम नहीं हैगे जी। तुसी सुनी सिख दी रहत सुनी है, भाई कल्याणा जी अमृत वेले उठते है, बाणी पढ़ते है, फिर वो कुछ छकते है, ते जो छकते है वो थोड़ा छकते है। सतगुर सिमरह शरदा नाल, ते बड़ी शरदा दे नाल भाई कल्याणा जी धन गुरु अर्जन देव साहब जी, धन गुरु अर्जन देव साहब जी, धन गुरु अर्जन देव साहब जी, महाराज नूं शरदा नाल चेते करते रहिंदे है। हाँ जी। निकट जैनार पिख कर तिस चाली, गज के आखो वाहे गुरु। वो जिहड़ा नेड़े रहिंदा सी ना जी भाई कल्याणा जी दे लागे, जिहदा घर सीगा, उन्हें वेखिया ना इन्हें वरत रखिया, ना ये ठाकरां दे द्वारे गया, ते ये कुछ होर ही पढ़दा है। हाँ जी। बूझियो बरतन की नस काली, उन्हें फिर भाई साहब जी नू पुछया जी, गज के आखो वाहे गुरु। भाई साहब जी नू पुछया, की पुछया? कहन लगा जी तुसी कल वरत नहीं रखिया। हाँ जी। आज ना गमनयो ठाकुर द्वारे, ते ना तुसी आज ठाकरां दे द्वारे गए। हाँ जी। नह चरणामृत लीन सकारे, ना तुसी चरणामृत ही छकिया। हाँ जी। सुन सब ते भाई कल्याणा, ते दो चार जने होर कठे हो गए जी, गद के आखो वाहे गुरु। ये महाराज बिद बना रहे है, वाहेगुरु शांत रखना बच्चे, महाराज बिद बना रहे है। हाँ जी। मधुर बाक तिन संग बखाना, ते भाई साहब बड़े मिठे बोलां विच ना उन्हां नूं कहण लगे जी, गज के आखो वाहे गुरु। हाँ जी। पुरख जाग तो ठाकुर मेरो, कहण लगे पुरख जाग तो ठाकुर मेरो। भाई कल्याणा जी कहण लगे मेरा ठाकुर पत्थर नहीं हैगा, मेरा ठाकुर जागदा जा जींदा जागदा हैगा। कहण लगे महाराज बाणी च कहिंदे ठाकुर हमरा सद बोलनता, हाँ जी, मेरा ठाकुर सदा बोलण वाला हैगा जी।
भाई साहब कहन लगे मेरा जागदा पुरख हैगा, जागदा पुरख मेरा ठाकुर हैगा। कहन लगे जो बोले सुख देत कनेरो, ओ नित जागदा। हाँ जी, ते नित जागदा ते चेता रखो। कहन लगे मेरा ठाकुर जेड़ा है ना, ओ मेरे नाल गल्लां करदा, मैनू उपदेश देंदा ते सुख भी देंदा है। गज के आखो वाहे गुरु। बड़ा फर्क है गा जी, बड़ा फर्क है। हाँ जी, पाहन जड़ की सेवा बाद, हाँ जी, खाए ना बोले ना अहलाद। कहन लगे आप पत्थर दी जेड़ी तुही सेवा करदे हो ना, ये ते व्यर्थ हैगी है। क्यों? ना ये पत्थर कुछ खा सकदा ते ना बोल सकदा। कहन लगे भाई कल्याणे जे ठाकुर कौन ने? हाँ जी, धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। हाँ जी, तुम कब कब व्रत धारण करो? भाई कल्याणा जी कहंदे प्यारियो तुसी ते कदी कदी व्रत रखदे हो ना। हाँ जी, महा बेकारण को पर हरो। ते कहन लगे कदी कदी व्रत रखदे हो ते बकार दूर करदे, भी अज व्रत रखे, अज माड़ा नहीं वेखना, अज माड़ा नहीं खाना। हाँ जी, अज माड़ा नहीं सोचना। जिदन वर्त रखते उदन बड़ा परहेज करते जी। ना काको आ वेखो तेरे अगे हाथ जोड़े। हाँ जी, हमरे गुर के सिख हैं जेई। कहन लगे अही गुरु दे सिख हुन्ने आ। गज के आखो वाहे गुरु। तुसी रख दे एक दिन वर्त, एक दिन वर्त रख के कुछ माड़ा नहीं खांदे, माड़ा बोलदे नहीं, माड़ा वेखदे नहीं, ते असियां गुरु दे सिख। हां जी, अल्प आहार बरत नित सेई। तुसी एक दिन संजम ना छकदे हो, अहीं रोज ही संजम ना छकदे आ। संगत जी सिख दा रोज ही वर्त हैगा जी। हां जी, काम क्रोध को संजम सदा। कहन लगे तुसी संजम रखते हो, भी अज वर्त रखे, अज माड़ा नहीं वेखना। कहन लगे असी सदा ही काम क्रोध दा संजम रखते हैं। हां जी, प्रभ सिमरन मैं लागे ओ रिदा। ते साडे गुरु दा हुक्म हैगा अठे पैर वाहिगुरु जी दा सिमरन करना। असी एक दिन थोड़ी ओ करते हैं, असी तो रोज ही करते हैं, साडा नित दा ही कर्म हैगा। कहन लगे हाँ जी, इते आदिक सुन के नर सारे। इस तरीके नाल ओ लाल दे बंदियां ने सुनिया भी ये ते साडे धर्म नू कख नहीं समझदा, ये ते अपने धर्म की वड्याई करदा। हाँ जी, हसहे परस्पर तर्क उचारे। ओ फिर हस पए जी, गज के आखो वाहे। चेता रखियो जेड़ा जिस मत विच हैगा ओरी श्रद्धा तोड़नी औखी हैगी है जी। ओ कहन लगे वेखो एक इहो जिहियां गल्लां करदा है। हाँ जी, एह मूरख कछ जाने नाही। ओ बंदे ना जी, भाई कल्याणा जी नू मूर्ख कहन लग पे जी। भाई कल्याणा जी नू, हाँ जी, साल ग्राम निंद को प्राही। कहन लगे मूर्ख हैगा साल ग्राम दी निंदिया करन दिया। हाँ जी, पाहन केर समान बखान है। कहन लगा ये, वो कहन लगे आपस बिच भी ये साडे साल ग्राम नू पत्थर कहिंदा है। गज के आखो वाहे गुरु। शरदा ही ना जी उन्हां दी। हाँ जी, नह महमा को मन महमान है। यह ते महमा जानदा ही नहीं फिर साल ग्राम दी। हाँ जी, बिदत बात पुर मैं पई सारे। ओ कर दियां सारे नगर ची रौला पै गया, अपने आप नू एक गुरु दा सिख कहाउण वाला बंदा आया है। ना ओ वर्त रखदा है, ना ओ चरणामृत लैंदा है, ओ ते बड़ा बखरा तुरदा है। करदियां करदियां सारे नगर च रौला पै गया जी। ये भी महाराज गुरु अर्जन साहब जी की खेड ही सी जी। मह पालक ढिग जाए उचारे। करदियां 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 गल राजे तक पहुंच गई जी।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਦੇਸੀ ਨਰਪੁਰ ਆਇਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਉਰ ਧਰਮ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਰਕ ਕਰਨਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਪਾਥਰ ਬਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰਨਤਾ, ਫਿਰ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਹੈ ਆਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹੋ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਮਰੀ ਆਗਿਆ ਧਰੀ ਨਾ ਕਾਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪੂਛਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭੈ ਬੋਲਤ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਹੋ ਮੁਕਤ ਪਾਈ ਇਨ ਹਾਥ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਉਹਦੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਦਿਕ ਨਰਿਪ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹੇ ਉਹ ਬੁਲਾਵੋ ਕਿਆ ਤਿਸ ਬੋਧਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਵੋ ਉਹਨੂੰ, ਇਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਮ ਦੁਰ ਮਤ ਕੋ ਧਰ ਕਰ ਕਹਿ, ਬਿਨ ਠਾਕੁਰ ਤਹਿ ਕੋ ਗੁਰ ਅਹੈ। ਵੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਬੋਲਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਰ ਆਏ ਹਕਾਰਿਓ ਤਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਰ ਸੰਗ ਗਏ ਨਰਿਪ ਪਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੱਦਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠੇ ਉਹ ਢਿੱਗ ਜਾਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਥਲ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਿਖ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹਿ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੋ ਨਰ ਕੌਣ ਦੇਸ ਤੂੰ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਗੁਰ ਨੇ ਤੋ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਧਰਮ ਕੋ ਧਾਰਿਓ ਬੇਸਾ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬ ਕਲਿਆਣਾ ਪਾਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹੀ ਗਾਥ ਨਿਰਿਪ ਕੇ ਅਗਵਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਬਿਦਤ ਬਿਸਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਜੀ।
कोशिश करनी जिन्ना ध्यान च रह जाए। भाई साहब कहन लगे जी इस जगत दे विच गुरु नानक साहब जी नूं सारे जानदे हैगे, कौन है जिहड़ा गुरु नानक साहब जी नूं नहीं जानदा। हाँ जी, दिन गादी उपर इस काला, इस समय उन्हां दी गद्दी दे उत्ते। हाँ जी, श्री गुरु अर्जन पूरन अहं, जेड़े गुरु जी बैठे ने ना उन्हां दा नाम है श्री गुरु अर्जन देव साहब जी, ते श्री गुरु अर्जन देव साहब जी पूरे ने पूरे। हाँ जी, प्यार नाल कहो धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज। तिनके सिख हम बांछत लहें, तिनके सिख हम बांछत लहें। कहन लगे जी मैं उन्हां दा सिख हैगा, मेरे गुरु जी दा नाम है पूरन गुरु, गुरुआं दे गुरु धन गुरु अर्जन देव साहब जी, ते मेरे गुरु जी इन्ने वड्डे ने जो मैं मंगा मैनू दे देंदे ने। हाँ जी, दोहे लोकन सुख दे उपदेश, उन्हां दा उपदेश है ना जेड़ा जदों मेरे गुरु जी बचन करदे है उन्हां दा उपदेश सुन के दोवां लोकां च सुख मिलदा बंदियां नूं। हाँ जी, तिन की बाणी पठे हमेशा, ते मैं हमेशा अपने गुरु जी की बख्शी हुई बाणी पढ़ता रहना है जी। भाई कल्याणा जी जपजी साहब का पाठ करते सन, गुरमंत्र का जाप करते सन। जाते हम पाहन नह मन है, राजा जी इस करके असी पत्थर नू नहीं मनते, बड़ी जुरत है जी। राजा मनदा जी ओनू, ते कहना भी असी पत्थर नू नहीं मनते, जुरत गुरु दे सिखां विच ही हुंदी है जी। हाँ जी, देखे है सुने है ना खाए बखान है, कहन लगे मनिए क्यों ना, वो पत्थर वेखदा किसे नूं ना, वो कुछ खा सकदा ना, वो किसे दी गल सुन सकदा। हाँ जी, क्या प्रसन्न होए तिसने देना, ते ना वो कुछ बोल सकदा, ते दसो उस पत्थर ने खुश हो के की किसे नूं दे देना। हाँ जी, ताकि सेव करे क्या लेना, असी ओदी सेवा करके लवांगे की, कहन लगे जेड़ा आप ना बोलदा ना सुनदा। हाँ जी, जो सब जीवन को है जीव, कहिंदा हुण सुनियो मेरे गुरु ने किन्नू आखिया मनण वास्ते, गज के आखो वाहे गुरु। मेरे गुरु ने ओनू आखिया मनण वास्ते जेड़ा सारे जीवां दे विच वसिया होया, कहन लगे जिस अलंब चेतनता थीव, जिदे आसरे बंदियां विच चेतनता दी शक्ति हैगी है जी, तुरे फिरदे जिदे आसरे दी असी, ओदी जोत दे आसरे तुरे फिरदे, ओ जोत खिच ले असी तुर फिर ही नहीं सकदे जी। सगरे जग को जो निज दाता, ओहो ही सारे जग दा ही दाता हैगा, कल्ले तुहाडे राज दा नहीं, जिन्ना जग हैगा ओहो ही दाता हैगा सारे जग दा। सो तुमने पाहन कर जाता, पर तुसी ते पत्थर नू समझिया सारा कुछ। हाँ जी, जिम अवनी सब को सुल्तान, हाँ जी, तिसको मूड करहे सन्मान, कहन लगे जिवें कोई बहुत बड़ा सुल्तान होवे ते मूर्ख बंदा ओरा सत्कार करे ते कीवें करेगा सुनियो, कहिंदे कास डसाए बसावन किया, बड़ा वड्डा सुल्तान ते एक मूर्ख बंदा ओहदा सत्कार करन लग पिया ते घा बछा लिया उहने जी, घा बछा के आवो इहां बैठिए मिया, कहिंदा मिया जी इत्थे आ के बैठो। हुण मिया भला किहनूं कहिंदे जी, मिया एक छोटे जे बंदे नूं मिया कहिंदे जी, आपां पढ़दे ना तू सुल्तान कहा हो मिया, हे वाहेगुरु तू किड्डा वड्डा सुल्तान ते अहीं मिया निके जे बंदे, एडे वड्डे सुल्तान नूं एक मूर्ख बंदा घा बछा के कहण लगा मिया जी इत्थे बैठो, ते दसो सुल्तान दी नरादरी हैगी कि सत्कार हैगा जी, ओह ते नरादरी हैगी ना जी ओहदी।
तिम तुमरो मत करो विचारन। भाई कल्याणा जी कहने बस तुम भी उत्थे की खलोते हुए जी। हाँ जी, प्रभ को पाहन करो उचारन। रब नू तुसी पत्थर कहिंदे हो, भी रब पत्थर है, वो पत्थर थोड़ी हो है। रहे ओ जो राम जल थल महराम। ते ओ ते जलां थलां दे विच सारियां थावां ते वसिया होया, वो ते तिन्ना लोकां दा स्वामी है, वो दा नाम जपण दे नाल ते बंदे दा भला हो जांदा जी। एक हरी प्यार नाल कहो सारे वाहे गुरु, बस ओदा नाम जपण नाल भला हो जांदा। दोहरा कही जथारथ बारता सुन के नृप अग्ञान। और राजा बेचारा अग्ञानी सीगा जी, ओनू की मतलब जी, जेड़ा जमदा ही पत्थर नू मनन दिया जी। हाँ जी, ऋषियो कहन लागियो तबे उचित सजाए महान। ओ कहन लगा ठहर जा तेनू सजा देने, साडे उल्ट गल्लां करदा ना तेनू सजा देने। चौपाई करहो कैद इस ते मनवाव हो। करो करहो कैद इस ते मनवाव हो, केंदा इनू कैद कैद करो ते मनवाओ एदे कोलो, भी ठाकुर ही असली हैगा साल ग्राम ही। हाँ जी, ठाकुर आ गए सीस निवाव हो, ते साल ग्राम दे अगे नू मथा टकवाओ एदा। हाँ जी, नाहे ता होवेगी जब पोर, ते जे ए नहीं मनदा ते कल सवेरे इसे सजाए दे हैं कोर, इनू सवेरे सजा देंगा मैं कहन लगे। हाँ जी, बंदी खाने मैं पहुंचाओ, बस बंदी खाने मैं पहुंचायो, बंदी खाने दे विच उन्हूं पहुंचा दिता जी भाई कल्याणा जी नूं। हाँ जी, तह गुर सिमरत समा बितायो, भाई कल्याणा जी नूं जेले पा दिता, ते भाई कल्याणा जी उत्थे बैठे की जपदे है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जेल च बैठे जपदे है जी। हाँ जी, भाई भोर राजा उठ चला, ओ दिन होया दिन चढ़ गया जी, राजा उठ के तुर पिया जी। हाँ जी, देह ठाकुर को मंदर भला, ते दिन जदों चढ़िया ते राजा मंदिर नू तुर पिया वाहेगुरु, रोज जांदा सीगा ठाकरां दे मंदिर। कर पूजा चंदन चरचायो, पूजा कीती चंदन उने उते छिड़का कीता ठाकर जी ते। चरणामृत ले सीस निवायो, चरणामृत लिया सिर नवाया साल ग्राम अगे जिनू ठाकर जी मनदे है। कहियो बदेशी को ले आवहो, केंदा हुण उस बदेशी नू लै के आओ साडे कोल। मामहदूर कर तिसे डरावहो, ओनू एक करी डराइए ओ गल मन जे साडी। हाँ जी, सुन चाकर लेकर ते आए, बोलियो नृपते हिंद कहाए, ते साध संगत जी भाई कल्याणा जी नू लै आए जी, बहुत लोग कठे हो गए जी उत्थे, किन्ने लोग कठे हो गए भाई कल्याणा जी नू जदों लै के आए ना जी, ते राजा भाई कल्याणा जी नू कहण लगा जी, हुण वेख लो ये सारी गल पिछे मकसद की हैगा भला, मकसद हरिमंदर साहब की सेवा हैगी है जी, मकसद बड़ा पवित्र हैगा साध संगत जी। हाँ जी, ठाकुर को पाहन कह जैसे, अब हे सजाए लीजिए तैसे। कहन लगा ठहर जा जरा तू, ठाकर नू पत्थर कहना ना हुणे तेनू सजा देने। हाँ जी, नाहे ता कहो मैं भूलियो पारी, जे सजा तो बचना तक है मैं जो किया कल गलत किया मैं भूल गया सा, अब हो जाए सब के अनुसारी। हाँ जी, सुन कर सिख बोलियो कल्याणा, ते भाई कल्याणा जी लोकां दे विच खलोते डट के बोले जी। हाँ जी, श्री गुर अर्जन मोर महाना, केंदे ना 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 मेरे गुरु जी सालग्राम नहीं हन, मेरे गुरु जी ने धन गुरु अर्जन देव साहब जी, प्यार नाल कह दियो सारे वाह अर्जन देव साहब जी महाराज।
तिनको दियो सीस है मेरा। ए जेड़ा सिर है ए मैं गुरु अर्जन देव साहब जी नू दे दिता कहन लगे किड्डी दृढ़ता जी। हाँ जी नम्र ना कहे आगे किस बेरा। इस करके हुण ए सिर किसे होर दे अगे झुक नहीं सकदा। हाँ जी तिन्हो के मैं नित अनुसारी। मैं जे अनुसारी हाँ ते मैं अपने सतगुरु जी दे अनुसारी हाँ। किम पाहन को प्रभु उचारी। मैं किमें उस पत्थर नू रब कह दिया। रिसेओ पूप एहो डरत न थोरा। ओ राजे नू होर गुस्सा चढ़ गया जी कहन लगा है तो थोड़ा भी नहीं डरदा। देहो सजाए माम निकट सो कोरा। कहिंदा इहनू वड्डी सजा देना मैं हुणे। जंग एक इसकी टुक दीज है। कहन लगा इहदी इक लत फड़ के वड्ड दिओ कहन लगा। गज के आखो वाहे गुरु। भाई कल्याणा जी बारे आख्या भी इहनां दी इक लत फड़ के वड्ड दिओ। अपन राज ते बाहर की जह। ते लत वड के बाहर कर दियो वेखांगे गुरु कोल किवें पहुंचदा है। हां जी इम सुन के आए चंडाला। ए सुन के चंडाल आ गए जी जिन्हां ने लत वड्डनी सीगी जी। हां जी मन कल्याणे गुरु संभाला। ते कहंदे आ मन कल्याणे गुरु संभाला। उधरों चंडाल आ गए उधरों फिर भाई कल्याणा जी ने गुरु अर्जन साहब जी नूं याद कीता जी। जपियो जिने अर्जन देव गुरु। 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 जपियो जिने अर्जन भाई कल्याणा जी ने गुरु अर्जन साहब जी नूं याद कीता। अब सहाए को समो तुम्हारा। सच्चे पातशाह तुसा कहा सी मैं तेरी राखी करांगा। महाराज मैं ते अपना काम करना शुरू करता हुण तुहाडा राखी करन दा समा है। चलत समय मुख बाकू चारा। महाराज तुसा कहा सी जदों मैं तुरन लगा सा असी तेरी राखी करांगे। हाँ जी गुरु सहाए होए चल जाव हो। महाराज तुसी क्या सी गुरु सहाए होए चल जाव हो। गुरु तेरा राखा होएगा तू जा। महाराज हुण राखी करो मेरी। हाँ जी आप हाथ दे नाथ बचाव हो। सच्चे पातशाह हुण समा आ गया हुण कृपा करके मैनू बचाओ महाराज। जंग काट बे लग जंदाल। उधरों साध संगत जी जदों लत फड़ ले चंडाल मारन लगा ना जी लत वड्डन लगा। हां जी तत छिन बहबल पयो नरपाल। हां जी खरो हुतो मूरछ गिर परे। बस गुरु अर्जन साहब ने तत्काल ही कृपा कीती जी। फिर जी अपने सेवक को निकटी होए दिखावै साध संगत जी जदों वड्डन लगे ना लत ओना चिर नूं मारन ने लीला वरताई राजा बेहोश हो के धरती ते डिग गया जी। राजा ही डिग गया जी। हुण एक बन्ने राजा बेहोश हो के धरती ते डिग रहा होवे लत वड्डन दा थोड़ी चेते रहना जी किसे नूं। मुख बिबरण कंपत तड़फरियो। कहन लगे ओह तड़फण लग पिया जी। हाँ जी बेहोशी दी हालत विच ना तड़फण दिया सुध नहीं हैगी राजे नूं कोई जी। हाँ जी गह अंगन को नरन उठावा। ओ लोकां ने फड़िया उहनूं धरती तों चुकिया पर राजा बेसुध होया पिया जी। हाँ जी नह शरीर की सुध बेकुलावा। हाँ जी इम देखत त्यागियो कल्याणा। उधर वेखिया जदों चंडालां ने ते भाई कल्याणे नूं छड्ड दित्ता जी। करती ना महाराज ने राखी। जपियो जिने अर्जन देव गुरु। जपियो जिने अर्जन देव गुरु। गज के जपियो जिने अर्जन देव गुरु। जपियो जिने अर्जन देव गुरु। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਕਟ ਪੈਂਦਾ
ना उन्होंने जमना मरना ही आता है। सात संगत महाराज ने बचा लिया संकट तो, राजे ने बेहोश कर दिता जी। हाँ जी, नृप उपचार करहे मिल नाना। ओ सारे राजे दा उपचार करन लग पए जी। हाँ जी, शीतल जल सुगंध बहु लियाए, ठंडा ठंडा जल लियाउण हवा चलण नु। हाँ जी, मंद मंद कर पौन चुलाए, पर ओ हवा ते चल दे है, पर ताउ ना सोध नृप के तन आई, राजे नु नहीं होश आई जी। हाँ जी, बहबल होए परयो तिस थाई, बहबल होए परयो तिस थाई, बेबल हो गया जी, उथे ही पिया होया जी। हाँ जी, सुमत वंत जे मानव तहां, ओ सियाने जेडे मनुख उथे कोल सन ना, ओ सारे करहे बिचारन होयो कहां, ओ कहंदे भी राजा चंगा भला, ना कोई रोग ना दुख ना तकलीफ ना चिंता, एकदम की होया है। हाँ जी, हुकम विदेशी नर पर कीन, कह लगे ओ विदेशी बंदे च कोई गल हैगी है, ओरे ते ने हुकम कीता सी लत वड्डण दा हुकम कीता सी। एक जंग को कीन सहीन, जब जंदाल गयो ते सतीर, ग्रिस्यो नृपत सोध नहे शरीर। जदों जंदाल ओ लत वड्डण लगे उदों ही इहनूं कुछ होया है, उपदेशी बंदे च कोई गल हैगी है, भाई कल्याणा जी बारे कहन सारे। हाँ जी, जां ते तिस को करहो प्रसन्न, कहंदे इस करके ओनू खुश करो सारे, गद के आखो वाहे गुरु, भाई कल्याणा जी नू खुश करन बारे गल्लां करन दे जी। हाँ जी, जिम सो कहे लीजिए मन, ओ जिवें कहंदा ओवें मन लो जे राजे नू राजी करना ते। हाँ जी, सुन के सब ने निश्चय धरयो, सुन के सारे विचार कर दे भी गल ते ठीक हैगी है इन्हां दी। हाँ जी, इम ही पई ताहे कुछ करयो, इम ही पई ताहे कुछ करयो, इं जी फिर होया। वो हुण भाई कल्याणा जी दे कोल आउंदे आ सारे, वेख लो गुरु अर्जन साहब जी नूं याद कीता, गुरु अर्जन साहब ने दुख दूर करते भाई कल्याणा। महाराज अपने सिखां दे सहाई हुंदे हन। आओ पंक्ति पढ़ लो ते फिर आपां खिमा मंगीए, कोई रसना वांझी ना रहे। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, 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 अर्जन देव फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपो जिन अर्जन फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट गर्भ ना, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो बस जपण दा मतलब हुंदा याद करना जी, जेड़ा याद करदा जप करदा मर फिर उस ते मेहर करदे कृपा करदे। वेख लो
ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਲਾਦ ਢੰਗ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੱਤ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਟਾਵਰ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੋਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫੋਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਗਾਂ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁੱਖ।